मैंने कल एक प्रोजेक्ट फाइनल किया, टाटा के एमडी आए थे मेरे पास, और नागपुर में मैं एक इलेक्ट्रिकल बस रिंग रोड पर घुमा रहा हूं। वो पहला पायलट प्रोजेक्ट है और हो गया तो देश में क्रांति होगी। वो टाटा को मैं जब जेकोस्लाविया गया था तो स्कोडा के फैक्ट्री में गया था, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, तो स्कोडा के फैक्ट्री वालों का ज्वाइंट वेंचर मैंने टाटा के साथ कर दिया। और मैंने कहा इनसे टेक्नोलॉजी लेकर आप वो तीन बसेस को जोड़कर 132 सीटर की एक बस बनाई, और उसमें ऊपर में हिटाची की बस स्टॉप पर खड़ी रहेगी और आधा मिनट में बस चार्ज हो जाएगी, तो वायर डालने की जरूरत नहीं है। और वो बस को मैंने कहा कि एयरपोर्ट ये हवाई जहाज में जैसा फूड मिलता है वैसे आप पैक फूड उसमें रखिए, जूस है, फ्रूट्स है, और एक एयर होस्टेस जैसी लड़की भी रखी, क्योंकि 132 लोग हैं नागपुर के, 48 किलोमीटर में दिन भर घूमेगी, 15 मिनट में बस आएगी, उधर से आएगी इधर से जाएगी। और मैंने उनको कहा कि इसका टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम कर। दूसरा प्रोजेक्ट कल मैंने फाइनल किया, पूना से औरंगाबाद हम हाईवे बना रहे हैं। बहुत दिनों तक हमारे भारत सरकार में कुछ इसमें परमिशंस में अटके थे, तो देवेंद्र जी ने मुझे कहा कि एक पीडब्ल्यूडी कारपोरेशन हमने खोली है, आप इसको कुछ काम दो। बोला कितना चाहिए? बोले 10-20 हजार करोड़। उन्होंने 50 हजार करोड़ देखा, क्योंकि वो काम करने वाले आदमी अच्छा है वहां। तो अभी मैंने उनको कल ये प्रोजेक्ट फाइनल हो गया, अभी टेंडर निकल रहा है। अब आप समझोगे 30 हजार करोड़ का काम बिन पैसे से हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है कि जो पुणे से अहमदनगर औरंगाबाद जो पुराना रोड है उसके ऊपर 6 टोल है, तो मैंने पुराना रोड एनएच का और नया उनको ट्रांसफर कर दिया। और मैंने उनको कहा कि ये 6 में से 3 टोल तो खाली हो गए, 3 टोल 26 में होंगे, तो आप एक काम करो, बैंक में जाओ और इसको 15 साल के लिए मोनिटाइज कर दो। वो बैंक में जाके बैंक ने कहा 3000 रुपये तुमको, 3000 करोड़ हम फाइनेंस करते हैं। तो वो टोल मोनिटाइज करके 3000 करोड़ मिल गए। अब मैंने बोला लैंड एक्विजिशन शुरू करो एक्सप्रेस हाईवे का, और लैंड एक्विजिशन पूरा करके आइदर बीओटी में, क्योंकि 1.5 लाख पीस यूज का ट्रैफिक है, आप करो या और हाइब्रिड एन्यूटी में करो या बैंक से लोन ले लो। तो उनको बैंक ने लोन भी दे दिया। और अभी औरंगाबाद से पुणे अभी 4.5 घंटे 5 घंटे लगते हैं, ये रोड पूरा होगा तो औरंगाबाद से पुणे 2 घंटे में हो जाएगा, और औरंगाबाद में आकर बाद में नागपुर को कनेक्ट होगा, तो गोंदिया तक भी जाने वाला समृद्धि मार्ग, तो फिर नागपुर से पुणे 5 घंटे में होगा और मुंबई 6 घंटे में होगा। अब मैंने उनको ये कहा है कि मेरा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो मुझे ऐसे लोग चाहिए जो बसेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये जो चार्जिंग सिस्टम है जो बस स्टॉप पर होगी, एक बार 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर चार्ज करेगी, उसकी बैटरी लिथियम आयन बैटरी नहीं है, उससे थोड़ी कॉस्टली है, और वो चार्जिंग सिस्टम करेंगे तो मेरे पूरे एक्सप्रेस हाईवे को मैं इलेक्ट्रिक हाईवे में कन्वर्ट कर रहा हूँ। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में होगा और टिकट रेट 30% कम होगा, तो नेचुरली पोल्यूशन नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो जहां इकोनॉमिक वायबिलिटी है, जैसे हमारे देश में 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है और इंपोर्ट को कम करना है। और कल मुझे टाटा ने भी कहा, जैसा अभी प्रफुल्ल जी उल्लेख कर रहे थे, मैं आया हूं गाड़ी में इनोवा टोयोटा की, वो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है और उसका 60% बिजली तैयार करती है, और उसका एवरेज के हिसाब से पेट्रोल से तुलना करेंगे तो पेट्रोल का रेट 25 रुपए लीटर आता है, क्योंकि इथेनॉल का रेट 60 रुपए लीटर है और पोल्यूशन नहीं के बराबर है। कल मुझे टाटा ने कहा कि वो भी फ्लेक्स इंजन के गाड़ियां ला रहे हैं, सुजुकी भी ला रही है, और अब देश में पेट्रोल को हमें देश से हद्दपार करना है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब सब कंपनियों की 100% इथेनॉल पर गाड़ी आएगी और पेट्रोल को रिप्लेस करेगी और पोल्यूशन कम होगा। मैं 6 तारीख को पुणे में जा रहा हूँ, राजीव बजाज जो बजाज स्कूटर के हैं, उन्होंने बहुत अच्छी स्कूटर बनाई है सीएनजी के ऊपर, और उसकी कॉस्ट 100 किलोमीटर के लिए 1 रुपए किलोमीटर कॉस्ट है।
एविएशन इंडस्ट्री उसके नियम ही नहीं बना रही थी। तो एक दिन मैंने सेक्रेटरी को बुलाया, मैंने बोला तुम जिसको एमपीबीएस सी प्लेन कहते हो मैं उसको फ्लाइंग बोट कहूंगा। बोट का कानून बनाने का मेरा अधिकार है, हवाई जहाज का बनाने का अधिकार तुम्हारा है। जब बोट पानी में आती है तो मेरा कानून चलता है, हवा में जाती तो तेरा कानून चलता है। मीन दोनों का अधिकार है। अब तू जल्दी काम नहीं करेगा तो मैं तुमको हकाल दूंगा, मैं अपने फ्लाइंग बोट अधिनियम तैयार करूंगा और तुरंत इम्प्लीमेंट करूंगा, तुम रो चिल्लाते हो। उसने एक महीने में नियम बना दिया। तो नाउ ऐसी स्थिति है कि संभावना खूब है। अभी मैंने 26 जगह पर हाईवे पर एयरपोर्ट बना दिया, ये हाईवे पर हवाई जहाज उतर सकता है, पानी पे उतर सकता है। मेरा सपना था कि अंबाझरी तालाब से हवाई जहाज उड़ेगा तो शेगांव के तालाब में उतरेगा, शेगांव के तालाब से उड़ेगा तो सी में उतरेगा, मुंबई में जाकर गिरगांव चौपाटी पर, और वहां से वापस आकर सब इरिगेशन प्रोजेक्ट, सब हमारे वाटर पोर्ट बनेंगे।